दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कॉपीराइट फ्री इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल या क्रोम की मदद से। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कॉपीराइट फ्री इमेज को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जौन सा भी इमेज आप जो है डाउनलोड करना चाहें। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है यूट्यूब लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पर YouTube सर्च करता हूँ, YouTube लोगो या PNG यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। आपको जौन सा भी इमेज डाउनलोड करना हो आपको जो है सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किसी भी इमेज को आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला इमेज हमें डाउनलोड करना है, कौन सा वाला नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं आपको क्या करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया यूट्यूब लोगो PNG, तो आपको जिस भी इमेज की ज़रूरत हो, आपको जो भी इमेज डाउनलोड करना हो, आपको उसे यहाँ पर सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप इमेज की पहचान कैसे करेंगे, किस इमेज को आपको डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियो या थंबनेल में यूज करना है और किस इमेज को यूज नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर इमेज को सर्च करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको उस इमेज को जो है डाउनलोड करके यूज करना है जिस इमेज पर किसी भी कंपनी का जो है नाम लिखा हुआ ना हो, या किसी भी कंपनी का लोगो ना हो, या कुछ भी टेक्स्ट जो है लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उस इमेज को आप डाउनलोड करके अपने वीडियो या थंबनेल में यूज कर सकते हैं। तो उस इमेज से जो है आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट जो है नहीं आएगा। यदि किसी भी इमेज पर किसी कंपनी का नाम डला हुआ है, या किसी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, या किसी का जो है नाम डला हुआ है, या कोई भी जो है टेक्स्ट उस पर लिखा हुआ है, तो उस इमेज को आपको अपने वीडियो या थंबनेल में यूज नहीं करना है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो है इमेज मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस इमेज पर किसी भी कंपनी का जो है नाम या लोगो या कोई भी टेक्स्ट जो है नहीं है, तो हम इसे अपनी वीडियो में डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। और यदि किसी इमेज पर किसी कंपनी का लोगो नाम यदि हो, यदि आप उसको क्रॉप कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, तो उसको हाइड जरूर करें। और अपना आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप उस इमेज को यूज कर पाएंगे, जिससे आपकी वीडियो में कोई भी जो है कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको जो भी इमेज चाहिए आप उसे आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना हो, आपको इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड इमेज का, तो आप यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके आसानी से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, इस तरह से आप किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक इमेज जो है दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार का इमेज जो है डाउनलोड नहीं करना है, या डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ विराट कोहली वर्ल्ड कप फोटो। चलिए, मैं यहाँ पर इस इमेज को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस इमेज को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, गेटी इमेज क्रेडिट पुनीत परंजपे। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, यदि आप इसे हाइड कर सकते हैं तो इसको आपको जो है हाइड कर देना है या क्रॉप कर देना है। और आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, या अपने चैनल का जो है लोगो या नाम दे सकते हैं, तभी आप इस इमेज को जो है यूज कर पाएंगे। अन्यथा इस तरह का इमेज आपको जो है दिखता है, आप इसको सीधे डाउनलोड करके यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी वीडियो पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ सकता है या कॉपीराइट आ सकता है। यदि आप इसको
यूज करने के लायक बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इस तरह का जो है टेस्ट जो भी लिखा हो किसी कंपनी का नाम या लोगो तो आप यहाँ से इसे क्रॉप कर देना है या इसे हाइड कर देना है और यहाँ पर आप अपना जो है नाम या लोगो दे सकते हैं, नाम या अपना नाम या यूट्यूब चैनल का नाम या अपना लोगो दे सकते हैं। और आपको किसी भी इमेज को जब आप डाउनलोड करते हैं यदि आप उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ एडिट करते हैं तो और अच्छी बात होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस तरह का इमेज यूज नहीं करना है और आपको बताता हूँ किस तरह की इमेज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज के ऊपर ना तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ना ही किसी कंपनी का नाम है, ना ही किसी कंपनी का लोगो है। तो आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने वीडियो थंबनेल में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की इमेज को आप यूज कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप गूगल या क्रोम की मदद से किस प्रकार के इमेज को डाउनलोड करके अपनी वीडियो या थंबनेल में यूज कर सकते हैं और किस प्रकार के इमेज को आपको अपनी वीडियो थंबनेल में यूज नहीं करना है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।